पुलिस पस्त। बदमाश मस्त। योगी राज के एक साल की कहानी। यूपी में डर लगता है। यूपी में ठीक एक साल पहले निजाम बदला था। निजाम के साथ साथ इंतजाम बदले थे, लेकिन एक साल बाद भी नहीं बदले हालात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दावे तो बहुत किए, लेकिन हकीकत कुछ और है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यह प्रदेश जिसमें सप्ताह में दो बड़े बड़े दंगे होते थे, जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी थी, जिस प्रदेश में व्यापक अराजकता थी, गुंडा राज की स्थिति थी, आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई स्थिति बदली है। एक साल पहले जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि वो यूपी से खौफ का खात्मा कर देंगे। योगी का दावा था कि गुंडे बदमाशों और अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं होगी, लेकिन योगी राज के एक साल बाद भी यूपी में कुछ नहीं बदला है। कहीं कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम पुलिस वाले की पिटाई, कहीं बेखौफ लुटेरों का खूनी खेल, तो कहीं महिलाओं पर बदमाशों का कहर। दहशत की ये तस्वीरें सिर्फ एक दिन की हैं, और यूपी में खौफ की ऐसी तस्वीरें हर रोज सामने आती हैं। हर शहर में बदमाश बेखौफ हैं और हर शहर में लोगों को लगता है डर। सत्ता संभालने से पहले यूपी में कानून व्यवस्था के हालात को जंगल राज बताने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में भी कुछ नहीं बदला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इसकी गवाही दे रही है खौफ की तस्वीरें। सबसे पहले देखिए कानपुर में लोगों से पिटते एक वर्दी वाले की सनसनीखेज कहानी। आगे आगे पुलिस, पीछे पीछे पब्लिक। पुलिस वाला जान बचाकर भाग रहा था, गुस्साए लोग उसे पकड़ने पर आमादा थे। भला एक वर्दी वाला इतने लोगों का मुकाबला कब तक और कैसे कर पाता, वो भी तब जब गुस्साए लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। उसे भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार वर्दी वाले की तमाम कोशिशें नाकाम रहीं और लोगों की भीड़ ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके साथ ही शुरू हो गई पुलिस वाले की पिटाई। जमीन पर पड़े पड़े वर्दी वाले पर शुरू हो गई थप्पड़, लात और घूसों की बौछार। तस्वीरें देखकर आप सोच रहे होंगे कि लोगों ने पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा कर क्यों पीटा, आखिर उस वर्दी वाले का गुनाह क्या था। इन सवालों के जवाब जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पुलिस वाले की पिटाई के पीछे है जानलेवा लापरवाही की कहानी। बीच सड़क पर पुलिस वाले के साथ मारपीट की पूरी कहानी सुनने से पहले आप इस वर्दी वाले के बारे में जान लीजिए। इसका नाम है संतोष सोनकर। खाकी वर्दी पर जड़े दो सितारे बता रहे हैं कि जनाब यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। मतलब ये कि संतोष सोनकर साहब दरोगा जी हैं।
दरोगा संतोष सोनकर साहब कानपुर देहात के रसूलाबाद थाने की असलतगंज चौकी के इंचार्ज हैं। रविवार को इनके इलाके में एक नौजवान का एक्सीडेंट हुआ था। बाइक पर सवार नौजवान एक गड्ढे में जा गिरा और काफी देर तक तड़पता रहा। हालांकि एक्सीडेंट के बारे में पता लगते ही कई राहगीर और आसपास के इलाके से दर्जनों लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन किसी ने भी उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो लोग पुलिस और एम्बुलेंस के पहुंचने का इंतजार करते रहे। इसी इंतजार और इलाज की देरी ने एक्सीडेंट में जख्मी नौजवान को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। शायद यही वजह थी कि जब दरोगा संतोष सोनकर मौके वारदात पर पहुंचे तो वहां जुटे लोगों ने उन्हें घेर लिया। लोगों की भीड़ से घिरे दरोगा साहब की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उसकी मारपीट से कुछ ही देर पहले की हैं। गुस्साए लोगों ने पहले दरोगा साहब से जमकर बहस की, फिर उन्हें वहां से चले जाने के लिए कह दिया। आप जाइएगा। भीड़ का गुस्सा देखकर दरोगा संतोष चुपचाप वहां से चल पड़े थे, लेकिन उसी दौरान कुछ नौजवानों ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी। पुलिस वाले की वर्दी पर दो सितारे जड़े थे, लेकिन लोगों पर ना सितारों का रौब चला और ना ही उनके दिल में खाकी वर्दी का डर दिखाई दिया। लोगों ने दरोगा साहब को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुलिस वाले की पिटाई का ये मंजर भीड़ में शामिल किसी शख्स ने अपने मोबाइल कैमरा में कैद कर लिया। गुस्साए लोगों का आरोप था कि एक्सीडेंट की इत्तला मिलने के बावजूद पुलिस देर से पहुंची। पुलिस की यही देरी और लापरवाही एक्सीडेंट में जख्मी नौजवान के लिए जानलेवा साबित हुई। एक दरोगा की पिटाई का यह वीडियो जब आला अफसरों तक पहुंचा तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है, सभी ने चुप्पी साध रखी है। बीच सड़क पर पुलिस वाले की पिटाई ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यूपी में योगी राज का एक साल पूरा हो जाने के बाद भी ज्यादा कुछ नहीं बदला है। आज भी पुलिस वालों पर लापरवाही के इल्जाम लग रहे हैं और आज भी गुस्साए लोग मौका मिलते ही कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। सिर्फ कैलेंडर पर साल बदला है, कानून व्यवस्था की तस्वीर नहीं बदली है। सच्ची घटना के लिए कानपुर से अशोक कुमार की रिपोर्ट। देखा आपने, यूपी में जब पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा। लूट, हत्या, बलात्कार, आए दिन ऐसी खबरें लोगों को डराती रहती हैं। ऐसा लगता है योगी राज के एक साल में भी कुछ नहीं बदला है। यूपी में अब भी डर लगता है। दोहरे कत्ल की एक कहानी भी यही कह रही है। योगी राज में मौत की यह डरावनी कहानी आपको दहला देगी। तस्वीरें यूपी के कन्नौज की हैं, जहां बेखौफ बदमाशों ने इस घर में रहने वाले रामकिशन के साथ ही उनकी पत्नी को भी बेरहमी से मार डाला। रामकिशन के रिश्तेदारों के मुताबिक पड़ोसियों ने रात लगभग 10 बजे तक रामकिशन और उनकी पत्नी को सही सलामत देखा था और सुबह पता चला कि उनका मर्डर हो गया है। रामकिशन और उनकी पत्नी की हत्या के बाद पुलिस कातिलों तक पहुंचने के लिए घटनास्थल की जांच कर रही है। मौके से मिले एक एक सबूत को जुटाया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि वो जल्द ही दोहरे कत्ल की इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों तक पहुंच जाएगी। वहीं मर्डर की इस खूनी वारदात के बाद खौफ में डूबे लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, आखिर यूपी में कब होगा बेखौफ बदमाशों का खात्मा। सच्ची घटना के लिए नित्या मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी में एक साल पहले सत्ता संभालने के बाद
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, महिलाओं की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कुछ और कहती है। संभल के चिन्यावली गांव के खेतों में फसल लहरा रही है और जमीन पर एक महिला के साथ ही 9 साल के बच्चे की लाश पड़ी है। किसी ने दोनों को बेरहमी से मार डाला है और खौफ की ये तस्वीरें भी योगी राज की ही हैं। पुलिस के मुताबिक दोहरे कत्ल की ये खबर इलाके के चौकीदार ने दी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक मौत के घाट उतारी गई महिला और बच्चे की शिनाख्त नहीं हो पाई है। एक अज्ञात महिला की गर्दन कटी लाश पड़ी हुई यहाँ पर, इस पर पुलिस द्वारा आके देखा गया। इसके अलावा बाद में पता चला बच्चे के कपड़े भी पास में पड़े हुए थे थोड़ी दूर पर, तो और तलाश कराएगी तो एक बच्चा जिसकी उम्र देखने में 8-9 वर्ष लग रही है, उसकी भी गर्दन कटी हुई है। ये 2 डेड बॉडी यहाँ मिली है। यहाँ पर पुलिस द्वारा पूरी आसपास के गांव से जानकारी की जा रही है कि कौन आदमी मिसिंग है। दिल दहला देने वाली इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस का कहना है कि वो संजीदगी से इसकी जांच कर रही है और जल्द ही दोहरे मर्डर की इस गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। सच्ची घटना के लिए संभल से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट। यूपी में सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, बड़े बड़े दावे और वादे किए थे। ऑपरेशन मजनू जैसी मुहिम के साथ उन वादों पर अमल भी शुरू हुआ था, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि उस मुहिम को ब्रेक तो नहीं लग गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात की है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि यह कार्रवाई सिर्फ बातों में नहीं बल्कि एक्शन में दिखना चाहिए। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।